हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसाज क्रिएशन और आज आपके साथ हम शेयर करने आए हैं ईस्ट इंडियन डेलिकेसी की एक और रेसिपी, वो है बोम्बिल बटाटा। तो ये जो है बोम्बिल, ये ड्राई बोम्बिल है, इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लीन नहीं किया है, इसे सिर्फ हमने ला कर स्टोर कर लिया था, उसकी टेल और हेड जो रहता है कट कर लिया है और इसे स्टोर करना फ्रिज में मैंने रखा है ताकि इसका कलर चेंज ना हो और लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो सबसे पहले बोम्बिल को हम साइड में कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं पटेटोज, तो आप देख रहे हो स्किन के साथ रखा है, तो स्किन के साथ ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। बोम्बिल का जो रस रहता है एंड बटाटा जब मिक्स होता है मसालों के साथ, बहुत फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आप आपकी मर्जी के हिसाब से बटाटा ले सकते हो, बटाटा स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट एक बटाटा तो आप डाल के देखो। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के बटाटे लिए हुए हैं, तो इसे मैंने 4 भागों में कट कर लिया है। बरसात का मौसम है, बड़े ध्यान से हमें देखना है क्योंकि बीच में काला काला आ जाता है, तो हमें चेक करके ही डालना है। तो बेसिकली मैंने ये 4 बटाटे लिए जिसे मैंने 4 पार्ट्स में कट करके 3-4 पानी में अच्छे से उसकी मिट्टी निकाल ली है, फिर भी उसे एक पानी में भिगो के रखा है। एंड एंड में भी हम जब इसे डालने वाले हैं हमारी ग्रेवी में, तब हम ये पानी डिस्कार्ड करके दूसरा पानी ऐड करेंगे और फिर बटाटे डालेंगे। तो इसे भी हम साइड करते हैं। और मसाले बहुत ही सिंपल और फटाफट, तो यहाँ पर मैंने 1/2 वाटी, कटोरी जितना आप देख रहे हो, आधा नारियल लिया है, सूखा खोपरा है ये, आप चाहो तो फ्रेश कोकोनट से भी बना सकते हो, बट हमने कभी ट्राई नहीं करा है। लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि यूजुअली शादियों के टाइम पे जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है तब फ्रेश कोकोनट ही यूज़ की करते हैं। तो हम घर पे जब बना रहे हैं तब ये 1/2 कोकोनट यूज़ कर रहे हैं फॉर 20-25 बोम्बिल्स के लिए। यहाँ पर मैंने 1 गड्डी लहसुन लिया है, ये मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम तक चले, इसलिए इसको आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर 1 इंच जितना अदरक है जिसे मुझे साफ़ करना है, और मुझे स्पाइसी पसंद है इसलिए मैंने 3 हरी मिर्ची ली है। इसमें 2 टमाटर हम ऐड करेंगे लेकिन ग्राइंड करने के टाइम, और ये जो मसाला है वो हमारे ईस्ट इंडियन बॉटल मसाला से बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर दे। इसे सबसे पहले हमें रोस्ट करना है, तो रोस्ट कैसे करना है, हम डायरेक्टली इसे गैस पर इस तरह से चालू कर देंगे। इसका जो फ्लेम है इसे थोड़ा सा स्लो करेंगे और फिर इसे आप एक रैक रख सकते हो, आजकल मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं मेरी मम्मी के स्टाइल का कर रही हूँ इसलिए मैं डायरेक्टली इस तरह से स्टोर कर रही हूँ। तो इस तरह से उसे भूनेंगे हम, याद रखिए कि कोयला नहीं करना है, हमें जलाना नहीं है, ध्यान रखना है, तो ताकि वो आजू बाजू से रोस्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं पीछे का पार्ट ऑलमोस्ट डन हो गया है, लेकिन अंदर यहाँ पर थोड़ा सा बाकी है, इसलिए हम इस तरह से एक छुरी के मदद से या फोक के मदद से आप पियर्स कर लो अंदर, और इस तरह से आप डालोगे तो थोड़ा सा अंदर भी उसका गर्म हो जाएगा। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, आप देख सकते हैं अंदर भी भुनना स्टार्ट हो गया है, बस इस स्टेज पे इसे फूंक मार के बुझा देंगे और इसे फिर डायरेक्टली पानी में डाल देंगे। और ये जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया है वो हम नाइफ की मदद से निकाल देंगे और इसे फिर बारीक बारीक कट कर लेंगे मिक्सर के जार में। तो इसकी मदद, ये अभी भी गर्म है बट इसे हमें हल्के हाथ से इस तरह से स्क्रेप करना है, खवलाचा है आपल्याला, जास्ती नहीं काढ़ाचा है, ज़्यादा नहीं निकालना है हमें, बस थोड़ा थोड़ा सा निकालेंगे ताकि इसका जो कालापन है या ये जो कड़वाहट लगता है वो निकाल देंगे और फिर इसे धो लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, मोटा मोटा नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ इसे रगड़ रही हूँ ताकि ये निकल जाए इस तरह से। तो ये हो गया है, ये पानी फेंक देंगे, एक पानी से धो लेंगे और इसे कट करेंगे। तो इसे हम कट कर लेंगे पतला पतला, आपको जिस तरह से कट करना है आप कट कर सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो मैं कितना पतला कट कर रही हूँ ताकि ईजिली ग्राइंड हो जाए।
बरसात में टमाटर भी बहुत सावधानी से यूज़ करना होता है। एक तो कट करने के बाद स्मेल करना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी अच्छे दिखने पर भी ख़राब होते हैं एंड कीड़े होते हैं वाइट वाइट, तो देख कर आप करिएगा। वैसे तो सबको नॉलेज होगा बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पर एक बड़ा टमाटर था इसलिए मैंने बड़ा ऐड किया है एंड जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स थे अदरक लहसुन वो भी हम ऐड कर देंगे। तो इसे हम पहले विदाउट वाटर पीस लेंगे। ये बार का जो मसाला आ गया है बहुत स्पाइसी है तो इसलिए मैं एक चम्मच भर कर ही डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो बहुत हाहु हाहु करेंगे जल के, इसलिए इतना डाल के इसे पीस लेंगे। और जितना आपको वाटर लगेगा उतना ही आपको ऐड करना है, ज्यादा नहीं ऐड करना है। तो चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारा मसाला जो है एकदम स्मूथ टेक्सचर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया, कढ़ाई चढ़ा दिया, चैटी चढ़ा दी है, उसमें हमने 4 से 5 टेबलस्पून तेल डाला। अच्छा खासा तेल लगेगा ताकि नारियल अच्छा सा भून जाए, नहीं तो कच्चा कच्चा स्मेल आएगा और टेस्ट बिल्कुल खराब लगेगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टिप है कि मसाला बहुत ही अच्छे तरह से आपको भूनना है, भले 5 मिनट लग जाए लेकिन अच्छे से प्यार से भूनिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ करी लीव्स ली है, करी पत्ता। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है एंड फटाक से इसे डालेंगे हम। जैसे ये स्प्लटर होने लग जाएगा हम हमारा मसाला ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम लो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से निकाल लिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसे हम पकने देंगे, तब तक जब तक ये ऑयल अच्छे से छोड़ ना दे, तो इसे ढक कर पकाएंगे। तो एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम बोमिल ऐड करेंगे। ये ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोसीजर में अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो बहुत सारा इसका मांस भी निकल जाता है, बोमिल पतले हो जाते हैं, कांटे भी रह जाते हैं। इस तरीके से डालने से क्या होगा कि थोड़ा सा पानी में अगर ये सोख हो जाएगा तो इजिली फटाफट साफ हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट रखेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से इसका तेल रिलीज हो गया है। आप देख सकते हो साइड में जो फेस आ रहा है इसका मतलब मसाला अच्छे से भून गया है। आप देख सकते हो सारा पानी सूख गया है। अब इसे ओपन में 1-2 मिनट तक फास्ट फ्लेम पे चला लेंगे ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला हमारा एक साइड जमा हो गया है, इसका मतलब ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम ये पोटैटोज ऐड कर देंगे और साथ ही में नमक हमारे स्वाद अनुसार हम डालेंगे। तो मैंने लगभग 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम, तो आप आपके अंदाजे से डालना। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें गर्म पानी भी ऐड कर सकते हो लेकिन मैं नॉर्मल वाटर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये कढ़ाई बहुत ज्यादा, एंड आप देख सकते हो अच्छे खासी तरी आ गई है। अब इसे पटेटो डालने का इसलिए मैंने पहले बोला है क्योंकि इसे पकना देना है हमें, एंड बोमबिल जो रहता है वो फटाक से पक जाते हैं, मुश्किल से 3-4 मिनट में पक जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी पानी में भीगे हुए रहते हैं और वो सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आलू टाइम लेते हैं इसलिए फिर डायरेक्टली अगर हम बोमबिल ऐड कर देंगे तो बोमबिल पूरा स्मैश हो जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आता है। बोमबिल एटलीस्ट थोड़ा खड़ा खड़ा मिले तो अच्छा लगता है। तो इसे हम पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ जो हमारे बोमबिल है मैंने 4 से 5 मिनट के लिए सोक कर लिए थे, आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गए, अब ये इजी पड़ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है क्लीन करना, तो ये क्या होता है इजी हो जाता है क्लीन करना। ये इसका स्टमक वमक आप ज़्यादा प्रेशर नहीं दोगे तो भी निकल जाएगा, ये पीछे का उसका ये सब निकालना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसे हम 3 से 4 पानी में धो लेंगे, तो सब जगह से निकाल लेंगे।
तो इस तरह से हम पानी में डाल लेंगे और 2-3 पानी में इसे मसल मसल के वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना गंदा पानी निकल रहा है, ये बोमबिल का कलर ही है। तो इसे अब हमें फेंक देना है एंड फिर से दूसरा पानी लेना है, वैसे ही तीसरा पानी लेना है जब तक पानी क्लियर ना हो जाए। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम ये सारे बोमबिल ऐड कर देंगे। बोमबिल की क्वांटिटी आपके ऊपर है, मैंने बहुत सारा लिया है क्योंकि बोमबिल खाने वाले बहुत शौकीन रखते हैं यहाँ पर। करी कम मिल जाए चलेगा, लेकिन बोमबिल ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आप 3-4 बोमबिल से भी बना सकते हो, उसका फ्लेवर इजीली आ जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा ही आता है बोमबिल का फ्लेवर। तो आप देख सकते हो इस तरह से, और अब इसे हम पकने देंगे तब तक जब तक हमारे आलू भी पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे करी देख सकते हो आप, कितनी अमेजिंग दिख रही है एंड खुशबू पूरे घर में महक रही है, यहाँ तक कि आजू बाजू भी पता चल गया होगा कि बोमबिल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बोमबिल है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है और ये पक गया है अच्छे से, ये ओपन हो गया, इसका मतलब आपके जो बोमबिल है वो पक गए। और दूसरा चीज आपको आलू चेक करना है कि आपके आलू पके हैं या नहीं। तो यहाँ पर हल्के हाथ से, तो आप देख सकते हो आलू हमारे अच्छे से पक गए। तो अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर लूंगी और इसे सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग दिख रहा है एंड खुशबू तो एकदम जोरदार लग रही है। इसे आप रेलिश कर सकते हो, आपकी चॉइस है, भाकरी के साथ या चपाती इसके साथ, या फिर गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ। बाहर बारिश हो रही है, गर्मा गर्म बनाइए बोमबिल बटाटा और रेलिश करिए, एंजॉय करिए। एंड हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।